नेक्स्ट अब एक फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट डिस्कस करना है। जैसे से मैं एक फाइल बनाता हूँ ABCD डॉट, कुछ भी एक्सटेंशन देता हूँ W मतलब ब्लैंक न्यू फाइल, और उसमें मैं एफ पुट सी का इस्तेमाल करके, एफ पुट एस का भी यूज़ कर सकता हूँ पर एफ पुट सी का यूज़ इस्तेमाल करूँगा, करके गुड लिखूँगा और उसके बाद बैक स्लैश एन। और एक फंक्शन है F10, उसका यूज़ करेंगे कि वो जो इंटरनल पॉइंटर रहता है उसकी पोजिशन क्या है ये पता करेंगे। लेट्स सी, F10 इज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द इंटरनल पॉइंटर, तो रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स द पोजिशन ऑफ द इंटरनल पॉइंटर। लेट्स सी, CGLS-P F-6 C24, और पहले मैं ये विंडोज प्लेटफॉर्म पे करने जा रहा हूँ। ये C24.C और फाइल क्या है, एलियास है, किसी ने एक स्ट्रक्ट बना रखा है और वो टाइप डिफ का इस्तेमाल करके फाइल को उस स्ट्रक्ट का एलियास बना रखा है। एफ इक्वल टू एफ ओपन ABCD.DD सही, तो यहाँ लिख देता हूँ फाइल इज एन एलियास ऑफ स्ट्रक्ट अंडरस्कोर IO अंडरस्कोर फाइल कॉमा W मोड एफ पुट सी G कॉमा एफ एफ पुट सी ओ कॉमा एफ एफ पुट सी ओ कॉमा एफ एफ पुट सी डी कॉमा एफ और एफ पुट सी बैकस्लैश एन कॉमा एफ एफ क्लोज एफ और एफ टेल का यूज़ करता है, तो प्रिंट एफ परसेंटेज LU बैकस्लैश एन कॉमा एफ टेल एफ और फाइल क्लोज करने के बाद यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज LU बैकस्लैश एन कॉमा एफ टेल एफ, कुछ सिखाना है इसलिए यहाँ लिख देता हूँ बिफोर राइटिंग द फर्स्ट बाइट, यहाँ पे आफ्टर राइटिंग द लास्ट बाइट। दिस इज EG324.C-EG324.exe। यहाँ एक ब्रैकेट देना भूल गया, EG324.exe EG324। तो बिफोर राइटिंग 0, आफ्टर राइटिंग 6। अब ये क्या है, लेट्स सी, ब्लैंक फाइल खोली, इंटरनल पॉइंटर एक स्ट्रक्चर में एफ स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है, इनिशियली पॉइंटर फर्स्ट बाइट पे होगा तो ये पोजीशन 0, तो यहाँ जी लिखा गया, फिर ओ फिर डी फिर बैकस्लैश एन, तो ये लिख के पॉइंटर इधर खसक गया होगा, ओ ये 1 फिर ओ ये 2 ये डी फिर ये 3 फिर बैकस्लैश एन लिखा तो ओ 4, तो फिर तो पॉइंटर 5 पे होना चाहिए ना, तो ये 6 क्यों दे रहा है। तो नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली, जब मैं एफ पुट सी को कह रहा हूँ क्या लिखो बैकस्लैश एन, तो वहाँ बैकस्लैश आर और बैकस्लैश एन लिखा जाता है, दैट्स हाउ इट इज। बेसिकली दो मोड्स रहते हैं, टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड। अब ये वो W R A लिखते हैं वो वाली बात नहीं हो रही, इन जनरल टेक्स्ट मोड में फाइल खोली है या बाइनरी मोड में, तो आप ज़बरदस्ती ये मत सोचिए कि टेक्स्ट मोड में टेक्स्ट लिख रहा है, बाइनरी मोड में 0-1 लिख रहा है, नहीं, पर दो मोड्स है, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामर। तो अगर टेक्स्ट मोड में फाइल खोली है तो कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, नॉट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे कुछ कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स हम लिखने के लिए कहेंगे तो वो कुछ और ही लिखता है, जैसे बैकस्लैश एन लिखने को कहा तो बैकस्लैश आर बैकस्लैश एन लिखता है, इस वजह से क्या हो रहा है ये 4 और ये 5 और फिर ये लिख के वो इधर है तो 6, तो इसलिए बिफोर राइटिंग 0 आया, आफ्टर राइटिंग 6 आया।
तो फाइल में हमने तो 5 बाइट लिखे हैं। अब ये मत बोलना कि बैक स्लैश है मतलब ये एक और ही, अपन ने सीखा है वाइट स्पेस कैरेक्टर 10। जैसे तो जी का कोड, ओ का कोड, ओ का कोड, डी का कोड और 10 लिखना चाहिए। फिर उसने क्या लिखा, बैक स्लैश आर का कोड विच इज 13 और बैक स्लैश एन मतलब 10। अब यही अपन लाइनिक्स पे करके देखते हैं, फिर रीडिंग का कोड लिख के देखेंगे। अभी आप कुछ मत लिखिएगा, जस्ट वेट, बस इतना समझिए कि अभी टेक्स्ट मोड में काम हो रहा है, तो बैक स्लैश एन लिखने को कहा विंडोज प्लेटफॉर्म पे, तो जो फंक्शनैलिटी है उसने बैक स्लैश आर बैक स्लैश एन लिखा है। अब लाइनिक्स पे देखते हैं क्या होता है। नोट पैड जी 3.2.4.3 कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आई वोंट वेस्ट योर टाइम। वी आई जी जी 3.2.4.3 पेस्ट कर दिया है। जी सी सी ई जी 3.2.4.3 माइनस ओ ई जी 3.2.4.OUT ई जी 3.2.4.OUT। लाइनिक्स पे वो नहीं हुआ। ये किस पे हुआ ऐसा, बैक स्लैश एन लिखने को बोला तो उसने ये लिखा। ये किस पे हुआ, विंडोज पे। लाइनिक्स पे क्या हुआ, फाइल खुली, फर्स्ट बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ इसको पॉइंट कर रहा है, एफ पुट सी को काम पे लगाया, तो 0 पे G 1 पे O 2 पे O। ध्यान रखना है कोई आरे के इंडेक्सेस नहीं है, पोजीशन फर्स्ट को 0 माना जाता है, 3 पे D। फिर जब मैंने बैक स्लैश एन लिखने को बोला तो बैक स्लैश एन ही लिखा गया 4 पे, और फिर पॉइंटर 5 पे है, तो इसीलिए बिफोर, इधर बिफोर, इधर आफ्टर, इधर बिफोर 0 आया और आफ्टर 5 आया। दिस इज नॉट हैपनिंग ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, बट कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा होगा। अब प्रूफ के लिए अपन रीडिंग का कोड लिख के देखते हैं। अपन क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे, देखते हैं। अब लिखते वक्त तो बैक स्लैश एन जब लिखने को बोला तो उसने क्या लिखा, बैक स्लैश आर बैक स्लैश एन। अब पढ़ने की बात कर लेते हैं, देखते हैं वो पहले तो यही पढ़ेगा, फिर अगली बार पढ़ने को बोलेंगे तो देखते हैं क्या पढ़ता है। लेट्स सी वी एन ई जी 3.2.5.0C और मैं हर रीड के बाद पोजिशन भी प्रिंट करवाऊंगा, ई जी 3.2.5.0C इंक्लूड stdio.h int main return 0 file star f file is an alias of struct underscore io underscore file। एक बात और ध्यान रखना, हो सकता है किसी और केस में किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सी के लिए सब कुछ बना हुआ है, वो हो सकता है वहाँ पे वो जो फाइल है वो इसका एलियास ना हो कि किसी और स्ट्रक्ट का हो सकता है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दैट। इवेंचुअली आगे चल के तो आपको हमेशा फाइल स्टार ही लिखना है, वो एलियास तो अवेलेबल होगा फाइल नाम से, इंटरनली वो किसी और स्ट्रक्ट का टाइप डेफ हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो एफ इक्वल टू एफ ओपन abcd.dd एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेता हूँ m नाम का, m इक्वल टू एफ गेट सी एफ प्रिंटर परसेंटेज डी या ASCII कोड परसेंटेज डी बैक स्लैश एम कॉमा एम, ऐसा मैं 4 बार कर रहा हूँ। ये तो जी ओ ओ डी, मेरे को 5वीं बार में इंटरेस्ट है, और फिर एफ क्लोज है, 6 पढ़ना चाहिए मेरे को पर 5वीं इंटरेस्ट ले रहा हूँ मैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पे प्रिंट एफ पोजिशन परसेंटेज एल यू बैकलेशन कॉमा एफ टेल एफ, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, पढ़ने से पहले की पोजीशन ले रहा हूँ, और ये 5वां पढ़ने के बाद की भी पोजीशन ले रहा हूँ। दिस इज इजी 3.2.5.3 माइनस ओ इजी 3.2.5.exe मोड नहीं दिया, दिस इज इजी 3.2.5
dot c minus o is 325 dot exe. CG 325 Windows platform is available. Now look at the output. 0 103 वो G का होगा, ये O का D का, फिर 4 पे है वो, और जब पढ़ने को बोला यहाँ था तो उसने एक ही नहीं पढ़ा, बैकस्लैश R मिला तो उसको फेंक दिया और अगला बैकस्लैश, मतलब हमको वैसे देखा जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, हमने बैकस्लैश N लिखने को बोला, अंदर वो बैकस्लैश R बैकस्लैश N लिख रहा है, पर यहाँ रहते हुए जब हमने पढ़ा तो हमको बैकस्लैश N ही मिल रहा है, हमको देखो 10 मिल रहा है, बैकस्लैश R का तो कोड होता है 13, पर हम जो लिखने के लिए बोल रहे हैं वो नहीं लिखा जा रहा है, कुछ और लिखा जा रहा है, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर टेक्स्ट मोड में खोला है तो। अच्छा यही अब लाइनिक्स पे करके देखते हैं, तो लाइनिक्स पे वो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो 4 और उसके बाद 5 ही आएगा, तो पोजीशन 4 वो एक पड़ेगा, 10 मिलेगा, फिर पोजीशन 5 आएगी। अभी कोड के बारे में मत सोचिएगा कि कब लिखें, आई विल टेल यू, ई 324 डॉट सी ऐसा हो गया, ये 325 डॉट सी, this is eg325.c minus o eg325.out eg325.out। तो यहाँ पे वो ये 4 के बाद वो 10 है और फिर पोजीशन 5 है, और विंडोज प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे बैकस्लैश आर बैकस्लैश एन है, तो बैकस्लैश आर पढ़ा, इग्नोर किया, फिर बैकस्लैश एन भी पढ़ लिया, तो इसलिए वो पोजीशन 6 आ रही है, और हम एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए कह रहे हैं पर वो 2 पढ़ेगा और हमें बैकस्लैश एन रिटर्न किया गया। ये सब टेक्स्ट मोड में हो रहा है। अब अगर मुझे बाइनरी मोड स्पेसिफाई करना है किसके लिए, फाइल ऑपरेशंस के लिए, तो आर है तो आर बी लिखेंगे, डब्ल्यू तो डब्ल्यू बी लिखेंगे, ए तो ए बी लिखेंगे, सिंपल है, आगे बी अल्फाबेट इस्तेमाल करना है। तो अब एक काम करता हूँ मैं, विंडोज प्लेटफॉर्म पे मैं ये रीडिंग का कोड बी देके लिखता हूँ, तो बाइनरी मोड में, तब आप देखेंगे कि वो जब इधर होगा तो बैकस्लैश आर ही पड़ेगा, टेक्स्ट मोड में तो क्या करता है, बैकस्लैश आर मिलता है उसको फेंक देता है, बैकस्लैश अगला पढ़ लेता है, बाइनरी मोड में तो जो लिखने को बोलोगे वही लिखेगा, जो पढ़ने को बोलेंगे वही पढ़ेगा। तो पहले मैं ये पढ़ के देख लेता हूँ कि क्या मिलता है अपने को, बैकस्लैश आर है कि नहीं वाकई अंदर, ये पता चल जाएगा अभी। तो सी पी ई जी 325 डॉट सी ई जी 326 डॉट सी डॉट सी, सी पी नहीं कॉपी विंडोज है, नोट पैड ई जी 326.c, तो यहाँ पे आर बी, और एक और बार पढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे वो मैक्सिमम आर ही पड़ेगा। लेट्स चेक आउट, दिस इज ईजी 326.c माइनस ई जी 326 डॉट ई एक्स ई जी 326, देखिए 4 पे 13, 5 पे 10 और फिर पोजीशन 6। और अगर मैं बाइनरी मोड देते हुए लिखने के लिए कहूंगा तो फिर जब बैकस्लैश एन लिखने के लिए कहूंगा तो वो बैकस्लैश एन ही लिखेगा, उसके लिए कॉपी करते हैं अपन ई जी 324 डॉट सी, आज का पहला कोड ई जी 327 डॉट सी, नोट पैड ई जी 327 डॉट सी, फाइल का नाम बदल देता हूँ, जैसे पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, और डब्ल्यू बी मोड जी सी सी ई जी 327 डॉट सी माइनस ओ ई जी 327 डॉट ई एक्स सी ई जी 327। अब देखिए बिफोर राइटिंग द फर्स्ट बाइट 0 एंड आफ्टर राइटिंग द लास्ट बाइट 5, और लास्ट बाइट क्या लिखा होगा उसमें, बैकस्लैश एन ही लिखा होगा, बैकस्लैश आर बैकस्लैश एन नहीं लिखा है, वो पता करने के लिए कॉपी ई जी 325 डॉट सी ई जी 328 डॉट सी,
नोट कर लीजिए 328.c, यहाँ बाइनरी मोड दे देता हूँ, gcc 328.c माइनस ओ इजी 328.exe इजी 328 4 पे ASCII कोड 13 आ रहा है क्योंकि फाइल का नाम नहीं बदला, मेरी गलती। वो कोड किस से रहा है? abcd.dd pqrst इजी 328। देखिए 10 ही है, वो 10 लिखने को बोला उसने 10 ही लिखा, तो वैसे मेरे से गलती हो गई थी तो आपको वापस कोड खोल के बताया था। 327.c हमने WB मोड दिया है और बैक स्लैशन लिखने को बोला, फिर रीड किया तो वहाँ देखो बैक स्लैशन ही मिल रहा है और वो पोजीशन 5 आ रही है, नहीं तो 324 नंबर का जो एग्जांपल चला रहा था उसमें 4 आ रहा था और 6 आ रहा था। तीन सौ चौबीस में लिखा था बिफोर राइटिंग 0 आफ्टर राइटिंग 6, और 327 बिफोर राइटिंग 0 आफ्टर राइटिंग 5, और 328 सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेक्स्ट मोड एंड बाइनरी मोड। यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट है, बस अब अपने को मान के चलना पड़ेगा। आगे चल के मान लो किसी और की फाइल है, आपको वो खोलना है और उसमें से एक एक बाइट पढ़ना है, यू शुड ऑलवेज मेक यूज ऑफ बाइनरी मोड। आपको एक एक कैरेक्टर पढ़ के कुछ काउंटिंग करना है कितने बाइट्स हो गए उससे रिलेटेड, तो आपको बाइनरी मोड में ही खोलना चाहिए। अब आप लिख लीजिए ई जी 324.c नेक्स्ट इजी 325.c नेक्स्ट इजी 326.c RB। और आप लाइनिक्स पे करेंगे तो एक रीड कम आना चाहिए क्योंकि लाइनिक्स पे वो बैकस्लैश आर बैकस्लैशन नहीं लिखने वाला, बैकस्लैशन बोलोगे तो बैकस्लैशन ही लिखेगा। 327.c ये तो लाइनिक्स पे भी ऐसे ही रहेगा। 328.c नेक्स्ट इजी 329.c 328 तक था। तो ये टेक्स्ट मोड में लिखा, टेक्स्ट मोड में पढ़ा, फिर वो जो टेक्स्ट मोड में लिखा था उसको बाइनरी मोड में पढ़ा 326, फिर ये बाइनरी मोड ही रहा, बाइनरी मोड में लिखा बाइनरी मोड में पढ़ा, तो 5 एग्जांपल्स है। दैट्स इट, थैंक यू।